हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज हम क्लास 7 के लिए राजनीतिक शास्त्र में डे 2 लेकर आए हैं। इससे पहले भी डे 1 का वीडियोस चैनल पे अपलोड है, जो भी नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार, इससे जुड़े सभी इम्पोर्टेंट सवाल को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल रंग के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कौन सी शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों की भागीदारी होती है। हमारा दूसरा सवाल है कि नैसर्गिक अधिकार क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा मत देने के अधिकार। मत देने के अधिकार को ही नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। हमारा तीसरा सवाल है, मूल संविधान में मत देने का अधिकार कितने वर्ष की आयु से था? इसका मूल संविधान में मत देने का अधिकार कितनी वर्ष की आयु से था? तो 21 वर्ष की आयु से था। इसका मतलब यह है कि पहले जो लोगों को वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष की आयु से था। जब लोग 21 वर्ष की आयु के हो जाते थे तभी वोट दे पाते थे। हमारा चौथा सवाल है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मत देने के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन। यानी संविधान में लिखा गया था कि 21 वर्ष की आयु के लोगों को ही वोट देने का अधिकार होगा, बाद में इसे संशोधित किया गया, यानी इसमें कुछ बदलाव किया गया और इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये कितनी बार हुआ है बदलाव? तो जब 61वें बदलाव हुआ तो उसी में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। हमारा पांचवा सवाल है, उस सूची को क्या कहते हैं जिसमें सभी लोगों का नाम दर्ज होता है? यानी कि वोट देने वाले जितने भी लोग होते हैं तो उसकी एक सूची बनकर आती है, उस सूची को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा मतदाता सूची। उस सूची को हम मतदाता सूची कहते हैं। हमारा छठा सवाल है कि उस जगह को क्या कहते हैं जहां पर लोग जाकर अपना वोट डालते हैं? उस जगह को क्या कहते हैं जहां पर लोग जाकर अपना वोट डालते हैं? तो उस जगह को कहते हैं मतदान केंद्र। उस जगह को क्या कहा जाता है? मतदान केंद्र। हमारा सातवां सवाल है कि EVM क्या है? EVM क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा वोट डालने की मशीन। आजकल जो वोट मशीन से द्वारा डलाया जाता है जिसमें बटन दबाकर लोग अपना वोट डालते हैं, उसे हम EVM मशीन कहते हैं। EVM का पूरा नाम क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हमारा नौवां सवाल है कि EVM से पहले मतदान केंद्र मतदान जो होता है वो किससे होता था? जब EVM नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं था, तो उससे पहले मतदान किस प्रकार किया जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा मतदान मत पत्र पेटिका। ये क्या होता था? एक तरह का एक पेटी होता था जिसमें लोग अपनी पुर्जी पे अपने मतदाता को मोहर लगाते थे और उसे मोड़कर उस पेटी में डाल दिया करते थे। हमारा दसवां सवाल है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव कितने वर्षों पर किया जाता है? लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव कितने वर्षों पर किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों पर। प्रत्येक 5 वर्षों पर लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव कराए जाते हैं। हमारे 11वां सवाल है कि प्रत्येक वर्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रत्येक वर्ष चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की ही जिम्मेदारी होती है कि वो प्रत्येक वर्ष चुनाव कराए। हमारा 12वां सवाल है कि चुनाव से संबंधित सभी व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? चुनाव से संबंधित सभी व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयोग। चुनाव से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की देखरेख निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। हमारा 13वां सवाल है कि सर्वप्रथम EVM मशीन का उपयोग कहाँ किया गया था? ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है EVM, इसका उपयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में विधानसभा चुनाव के लिए। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए EVM मशीन का उपयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किया गया था। हमारा 14वां सवाल है VVPAT क्या है? VVPAT क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा वोट डालने के तुरंत बाद कागज़ की एक पर्ची बनती है जिस पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। देखिए, पहले जब मशीन में वोट डाला जाता था तो उससे हमें ये पता नहीं होता था कि हमने जिस व्यक्ति को वोट डाला है, कांग्रेस को दिया है या बीजेपी को दिया है या अन्य पार्टी को, JMM को दिया है, हमारा वोट जो है उसे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है।
तो अब जो है वीवीपैट के द्वारा वहाँ पे दिखाई देता है। आप जैसे ही बटन दाबेंगे तो आपने जिसको वोट दिया है उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह उस पुर्जे पे दिखाई देगा, उसे ही हम लोग वीवीपैट कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि वीवीपैट का पूरा नाम होता क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। हमारा 16वां सवाल है कि वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था। वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2013 के चुनाव में नागालैंड में। 2013 के चुनाव में नागालैंड में वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। हमारा 17वां सवाल है कि पूरे भारत में वीवीपैट का उपयोग कब से किया जा रहा है। पूरे भारत में वीवीपैट का प्रयोग सबसे मतलब कब से किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2019 के लोकसभा चुनाव से। 2019 के लोकसभा चुनाव से पूरे भारत में वीवीपैट का उपयोग किया जा रहा है ताकि लोगों की जो दुविधा थी उसको दूर किया जा सके कि उसके वोट जो है वो सही जगह पे जा रहे हैं। हमारा 18वां सवाल है कि मतदाताओं को जागरूक कौन करता है। मतदाताओं को जागरूक कौन करता है कि वोट डालिए, वोट डालना कितना ज़रूरी है, आप अपने नेता को अपने खुद से चुनिए। तो इस तरह से जो जागरूक का काम जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका काम करता है BLO। ठीक है, हमारा 19वां सवाल है कि BLO का पूरा नाम होता क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा बूथ लेवल अधिकारी, यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है वो BLO का फुल फॉर्म होता है। हमारा 20वां सवाल है कि चुनाव आचार संहिता क्या है। चुनाव आचार संहिता क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई नियमावली, यानी कुछ नियम बनाए जाते हैं राजनीतिक दल के लिए और प्रत्याशियों के लिए, उसे ही हम लोग चुनाव आचार संहिता कहते हैं। हमारा 21वां सवाल है कि चुनाव में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है। जो चुनाव होती है उसमें राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, इसका सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक दल अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा करते हैं जिसे हम वोट डालते हैं। जैसे कोई भी एक व्यक्ति उस पार्टी से खड़ा हो जाता है टिकट लेकर के और वो वोट के लिए प्रत्याशी बन जाता है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। कोई भी राजनीतिक दल है जैसे BJP है, कांग्रेस है, JMM है, ठीक है, तो इस तरह के राजनीतिक दल की व्यवस्था भारत में कब से शुरू की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में। हमारा 23वां सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। जो हमारा कांग्रेस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में। हमारा 24वां सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। हमारा 25वां सवाल है कि भारतीय साम्यवादी दल कब अस्तित्व में आया। इसका सही जवाब हो जाएगा 1924 में। भारतीय साम्यवादी दल 1924 में अस्तित्व में आया। हमारा 26वां सवाल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। हमारा 27वां सवाल है कि JMM का पूरा नाम क्या है। JMM का पूरा नाम क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। JMM का पूरा नाम होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इस वक्त झारखंड में JMM का ही सरकार है। हमारा 28वां सवाल है कि आजसू का पूरा नाम क्या है। आजसू का पूरा नाम क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। आजसू का पूरा नाम होता है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। हमारा 29वां सवाल है RJD का पूरा नाम क्या है। RJD का पूरा नाम क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। RJD का पूरा नाम है राष्ट्रीय जनता दल। हमारा 30वां सवाल है कि BJP का जो है पूरा नाम बताइए। BJP का पूरा नाम क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। BJP का पूरा नाम होता है भारतीय जनता पार्टी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।